रिगार्डिंग द KUPY एग्जामिनेशन 2021 सेशन के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट असमंजस की स्थिति के अंदर है कि भैया KUPY का रिजल्ट कब आएगा, कितनी रैंक पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा टफ था इस बार, तो क्या कट ऑफ रहने वाला है भैया, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, राइट। सो सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका KUPY के अंदर बहुत अच्छा रैंक आएगा, ठीक है। मैं ये गॉड से ये दुआ करता हूँ, मेरे को जो भी इंस्टा पे जाके फॉलो करेगा, ठीक है यार, नया अकाउंट बनाया जाके थोड़ा फॉलो करो, रीच बढ़ेगी, ठीक है। कम से कम 100-150 फॉलोवर तो कर दो यार, एक IITN के इतने से फॉलोअर्स नहीं होते तो मतलब जस्ट लाइक बुरा लगता है ना, और आप लोग इंस्टा पे फॉलो करते ही नहीं हो, राइट। तो पहले जाके इंस्टा पे फॉलो करो, अभी करो, अभी जाके। आगे बढ़ते हैं अपन KUPY पे, ठीक है। तो यार KUPY का कुछ देख लेते हैं, कितने कट ऑफ जाने वाला है पहले तो हम वो बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं कि भैया मैथ का पेपर बड़ा ही टफ हुआ था, राइट। पांडे जी ने हमें बोला है कि 52 तक जाएगा कट ऑफ, 52 में हो जाएगा आसानी से, राइट। सो क्या सारा सीन है, कितना कट ऑफ रहने वाला है यार, मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है। जिसके 65 आए ना वो सेफ है, ठीक है, जिसके 65 आए, घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जिन स्टूडेंट के जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जस्ट लाइक 40 तक है, ठीक है, 40 तक, देन हो जाएगा, ओके। जो स्टूडेंट OBC वाले हैं तो वो जो है जस्ट लाइक 50 और 60 वाली लाइन के बीच तक आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला सीन नहीं है। एंड यार अब वो ज़माना तो गया कि भैया हमारा पेपर टफ था कि हार्ड था, ठीक है, दिस इज़ नॉट मैटर, राइट। सो जस्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था रिगार्डिंग द कि जो हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। सो जनरली जो रिजल्ट आने में है 1 महीने का टाइम लगता है, यानी कि जो आपका जो एग्ज़ाम कब हुआ था, 22 मई को, राइट। अभी 15 से 16 जून हो चुका ऑलरेडी, सर जो है 22-23 जून तक जो है आप मान के चल सकते हो आपका रिजल्ट जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। वैसे अगर ये लोग जल्दी भी रिजल्ट घोषित कर दे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक आपके JEE एडवांस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपके IATTS नहीं हो जाता, तब तक जो है KUPY का रैंक आ भी जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला। एक मेजर इफेक्ट उन बच्चों पे पड़ेगा जो कि अगले साल की प्रिपरेशन फिर से करने वाले हैं, यानी कि जिन्होंने SA दिया था, तो जो 12th वाले बच्चे जो भी SXSB देना चाहते हैं तो वो जो है जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो उनके लिए थोड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर रिजल्ट जल्दी आ जाए तो, लेकिन ऑलमोस्ट स्टूडेंट को यही है कि भैया जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट आ जाए। तो जस्ट अब जो है मैक्सिमम 22 तारीख तक वेट कर लो, एंड एटलीस्ट 1 महीना या फिर 1 महीने से कम कम ही आ जाता है जनरली, तो 20 तक आप वेट कर लो, ठीक है। जैसे अभी तो बीच में संडे आ गया तो आप संडे तक तो छोड़ दो, मंडे को अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड जस्ट लाइक जून जून में आ जाएगा, ठीक है, जुलाई तक नहीं जाएगा, जून 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 मैक्सिमम है, ओके, जून में आ जाएगा 100%, ठीक है, ये श्योरिटी है, बिकॉज इतने सालों का। और IASC का इस मामले में IASC बहुत ही अच्छी कंडीशन पे है, स्पेशल चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन पेपर भी बहुत लेवल का देता है। पेपर की अगर अपन बात करें तो यार उतना ज़्यादा टफ नहीं था जितना आप लोग रिएक्ट कर रहे हो। फिजिक्स के जो थोड़े से जो क्वेश्चन थे, हाँ वो मतलब थोड़े से थे, ठीक है। तो अगर अपन कंपटीशन वाइज वैसे देखें तो यार पिछले कुछ सालों के अकॉर्डिंग इस बार का पेपर थोड़ा सा लेंथी था, तो जो है कट ऑफ मार्क्स में थोड़ी सी गिरावट आएगी, ठीक है। लेकिन हाँ जिसके 60-65 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में वो सेफ है फुली। एंड भैया IASC में और ICER जस्ट लाइक कितना कट ऑफ रहने वाला है तो उसके सारे के सारे वीडियोस में डाल रखा हूँगा। तो लेकिन आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इंस्टा पे जरूर जाके फॉलो करो, माय नेम इज कमल किशोर सैनी, ओके, एंड आई एम KUPY स्कॉलर, तो स्कॉलर को तो आप फॉलो कर ही सकते हो, तो ज़रूर जाके फॉलो करना, ठीक है, और जस्ट मैसेज भी कर सकते हो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर आप KUPY की प्रिपरेशन करते हैं, करना चाहते हैं, तो जस्ट जो है नीचे गूगल फॉर्म दिया गया उसको फिल कर सकते हो,
हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बाय बाय। ओके।